इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अपना आपा खो बैठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोहित शर्मा ऐसा रिएक्शन देंगे। हुआ ये कि सरफराज खान रन आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने कॉल किया लेकिन बाद में मना कर दिया और सरफराज खान अपनी क्रीज से काफी दूर रह गए। मारफुट की शानदार थ्रो के चलते वो रन आउट हो गए। सरफराज खान उस वक्त 62 रन बनाकर खेल रहे थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। अब जब बात रिएक्शंस की हो ही रही है तो जब पहला रिएक्शन रविंद्र जडेजा का था कि सरफराज आपकी गलती है, लेकिन बाद में रविंद्र जडेजा को कुछ समय बाद ही अपनी गलती का एहसास हुआ। शतक जडेजा ने जरूर बनाया लेकिन सेलिब्रेशन उस प्रकार का नहीं था। मैच खत्म होने के थोड़ी देर बाद रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे जाके सरफराज खान से माफी मांगी। रविंद्र जडेजा ने लिखा, मुझे सरफराज के लिए बुरा लग रहा है, मेरी रॉन्ग कॉल थी, सरफराज आप बहुत शानदार खेले। ये बात उन्होंने अंग्रेजी में लिखी, लेकिन कहीं ना कहीं अब रविंद्र जडेजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। हालांकि सरफराज खान ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये खेल का एक हिस्सा है, कई बार आपकी गलती होती है, कई बार सामने वाले की, ये चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कहीं ना कहीं सरफराज खान ने जिस तरह से डेब्यू में बल्लेबाजी की है उसने एक चीज तो सुनिश्चित कर दी है कि अगर इस खिलाड़ी को लगातार मौके मिलते रहेंगे तो ये खिलाड़ी लगातार टीम इंडिया के लिए ऐसे ही प्रदर्शन करता रहेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी को पता है कि इसके रन कहां पर हैं, कैसे रन बनाने। जिस तरह से फिरकी गेंदबाजों के सामने सरफराज खान ने बल्लेबाजी की है उसने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की कई दिक्कतों को हल करने का एक किरण दिखा दी है। वैसे आपको सरफराज खान की पारी कैसे लगी और रनआउट में आपको किसकी गलती लगती है, आप अपनी राय हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।